हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये एरर फेस करते हैं तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं पाइथन में, मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में, तो आप बहुत ही सारी एरर्स को फेस करते हैं, तो आप कैसे एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ दैम एरर, लाइक मैं कोडिंग कर रही थी तो मुझे भी एक एरर मैंने फेस किया, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप अगर ऐसी एरर फेस कर रहे हैं तो आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो देखते हैं। लाइक वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3 एंड गॉट 2। अगर आप इस टाइप की एरर फेस करते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड 3 बट गॉट 2, ये एरर हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। बट कोई बोलेगा कि टेंसर फ्लो वर्जन को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी जो टेंसर फ्लो का वर्जन है वो 2.3 है, तो आपको चेंज करके उसको 1.5 में, क्योंकि मैंने भी टेंसर फ्लो के वर्जन चेंज किए, बट कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको इस सॉल्यूशन को पाने के लिए कोई टेंसर फ्लो का वर्जन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड 3 एंड गॉट 2। ये सिंपल लिखा हुआ है कि उन्होंने, ठीक है, तो इसको, इसमें कोई आपको स्काइप आई इंस्टॉल करने की, आपको स्काइप आई या कुछ भी वर्जन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल टेंसर फ्लो जो आपके सिस्टम में है, जो न्यू अपग्रेडेड है, वही रखना है। इसमें आपको पुराना भी वर्क करेगा, इसमें कोई टेंसर फ्लो से कोई रिलेटेड इसमें एरर नहीं है। इसमें जो एरर है आप बहुत ही सिंपल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है जहाँ पे एरर शो कर रहा है, यहाँ पर है ये जो मेरी एरर को शो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड 3 बट गॉट 2। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ। ये एक्चुअली पोथोल डिटेक्शन प्रोजेक्ट है। पोथोल्स का मतलब है, अगर आप रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं, ठीक है, तो उन गड्ढों को कैसे डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की वीडियो देखना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी इस पे, इसका प्रोजेक्ट पे, क्या होगा, जो पोथोल्स हैं, जो भी गड्ढे हैं सड़क पे, उसके आसपास ये ग्रीन कलर का कलरिंग शो करेगा। ओके, तो ये ग्रीन कलर की कलरिंग शो करके ये पोथोल्स को ही बस हाईलाइट करेगा। ओके, पोथोल्स के आसपास जो है ये ग्रीन कलर की लाइनिंग बना देगा, ठीक है, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि इस यहाँ पे हमारे पास पोथोल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि हम ये एरर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये करने की जरूरत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे image1, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे image1 लिखा हुआ है, contours लिखा हुआ है, hierarchy1 लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या एरर कहती है हमारी कि एक्सपेक्टेड 3 बट गॉट 2। ओके, तो हम अगर यहाँ पे आगे अगर हम 2 वैल्यू लिखते हैं तो हमारी एरर सॉल्व हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये image1 को डिलीट करना है, image2 को भी डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू लिखनी है, देन अगर आप रन करेंगे देन आप इसमें कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो मेन जो इसमें ये हाफ ही कोडिंग है इसकी, पोथोल डिटेक्शन की। अगर आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, मैं अपलोड करूंगी उसको कुछ ही देर में। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू देन यू कैन सब्सक्राइब।